गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका फिर से गुरुकुल अकेडमी करनाल पे। ठीक है भाई, इंग्लिश की वीडियो हम बना रहे थे, चार पांच वीडियो हम बना चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश हम जान चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और कोई लास्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में बचा हुआ है। ठीक है, उसको कम्प्लीट करके फिर अपन इंग्लिश को तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक मुझे यहाँ से पढ़ाना है भाई, वो मुझे पढ़ाना है क्लोज। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्लोज क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो क्लोज बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। थोड़ी सी हिंदी मेरी खराब है, स्पेलिंग ऐसी रहेगी, वाक्यांश बोलते हैं भाई। ठीक है, तो वाक्यांश के बारे में हमने जानना है क्या होता है। जरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा समझना है भाई। मैंने बोला भाई, राम प्लेज क्रिकेट बट मोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस सो कंबाइन करके मैंने लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर इस सेंटेंस को मैं स्टडी करूं, यहाँ पर राम मेरा क्या है भाई, ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्लेज मेरा क्या है भाई, वर्ब है। ठीक है, और क्रिकेट मेरा यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बीच में मेरा बट आ गया है, बट जो है यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन होता है भाई। मोहन मेरा फिर से क्या है भाई, सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है भाई, वर्ब है, और ये मेरा क्या है भाई, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से मेरा सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको इसको समझना है कि क्या है। अब राम मेरा सब्जेक्ट है, प्ले मेरा क्या है, प्लेज मेरा वर्ब है, और क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट है। तो क्लोज होता है क्या कहता है भाई, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट मिलकर, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट मिलकर एक क्लोज बनाते हैं भाई। एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोज। प्रेडिकेट क्या होता है भाई, प्रेडिकेट क्या होता है भाई, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है भाई। ठीक है, सब्जेक्ट से अलग वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं भाई, प्रेडिकेट बनाते हैं। अब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलकर मेरा एक क्लोज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा पूरा किसका फंक्शन कर रहा है भाई, मेरा ये मेरा प्रेडिकेट का फंक्शन कर रहा है। अब ये मेरा प्रेडिकेट का फंक्शन कर रहा है, तो ये मेरा क्लोज क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्लोज वन हो गया। ठीक है, उसके बाद बट मेरा कंजक्शन आया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये अगला सब्जेक्ट आ गया भाई, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये भी मेरा प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या बनाते हैं भाई, क्लोज बनाते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा पूरा प्रेडिकेट, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, दूसरा क्लोज हो गया। सी टू नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है बात, तो यहाँ पे ये जो मेरा मेरा सेंटेंस था, मेरा दो क्लोज से बना था। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ये रहा, ये कॉम्बिनेशन में क्लोज बनाएगा, दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट रहा, ये कॉम्बिनेशन में क्या बनाएगा, अपना क्लोज बनाएगा। तो हमने कैसे ढूंढना है, हमने यही ढूंढना है भाई, कितने सब्जेक्ट हैं और कितने प्रेडिकेट हैं। ठीक है बात, एक सब्जेक्ट और उसके साथ का प्रेडिकेट क्या बना देगा, एक क्लोज बना देगा। दूसरा सब्जेक्ट और उसके साथ का प्रेडिकेट क्या बना देगा भाई, क्लोज बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से मुझे एक बात पता चली, ये जो मैंने बट यूज कर रखा है, ये मेरा कंजक्शन है भाई, यहां से मेरा क्लोज क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। यहां से मेरा क्लोज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको मैं बाद में आपको एक एक करके लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको एक बात समझनी है कि जब कंजक्शन आ जाता है तो क्लोज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यह मैं कह दूं, कंजक्शन मेरा क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन क्लोज इंडिकेट करता है। समझ में आया होगा आपको ये सब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें पता लगा कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट
मिलकर क्या कंस्ट्रक्ट कर देता है भाई, एक क्लोज कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है भाई अरेंजमेंट ऑफ क्लोज, अरेंजमेंट ऑफ क्लोज। अरेंजमेंट कैसे करें हम क्लोज की, तो सबसे पहली जो मेरी अरेंजमेंट होती है वो होती है क्लोज प्लस क्लोज, क्लोज प्लस क्लोज। ऐसे करके हम सेंटेंस बनाते हैं भाई, यानी एक सेंटेंस में कितने क्लोज ले लेते हैं, दो क्लोज ले लेते हैं। जैसे एक और मैं लिख के बता रहा हूं आपको, जैसे ही स्पीक्स एंड आई राइट। ठीक है भाई, यहां से समझना है, ही स्पीक्स एंड आई राइट। अब यहां पे देखो भाई, ये ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और स्पीक्स मेरा क्या है अभी, वर्ब है। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, लेकिन मेरा ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीट है भाई, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट मेरे पास, सॉरी मैंने शायद ये बोला वर्ब नहीं है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही मेरा सब्जेक्ट है, स्पीक्स मेरा क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के मेरा सेंटेंस क्या हो रहा है भाई, कंप्लीट हो रहा है। तो जो प्रेडिकेट पोर्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो रहा है तो आप वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या सिर्फ वर्ब के साथ कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है भाई। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मेरा क्या बन गया भाई, एक क्लोज बन गया। दूसरा मेरा एंड आ गया, कंजक्शन है भाई, और कंजक्शन मेरा क्या इंडिकेट करता है भाई, चेंज इन क्लोज। यहां से मेरा क्लोज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देखो चेंज भी हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या आई, ये मेरा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये मेरा क्या हो गया भाई, वर्ब। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, दूसरा प्रेडिकेट नहीं, सॉरी, ये प्रेडिकेट ये है, दूसरा मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बात आपको जरा समझनी है कि जरूरी नहीं है कि वर्ब ऑब्जेक्ट ले, वो डिपेंड करेगा कि वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है कि नहीं लेती है, कौन सी तरह की वर्ब मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव कर रहा हूँ या इंट्रांजिटिव वर्ब मैं यूज कर रहा हूँ। अब ही स्पीक्स, वह बोलता है, और आई राइट, मैं लिखता हूँ भाई, तो मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होना जरूरी ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी क्लोज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन को हमने जरा ध्यान से समझना है। अब एक क्लोज ये हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया, और कंजक्शन ने मेरा क्या इंडिकेट किया भाई, चेंज इन क्लोज। तो इसको मुझे नोट करके ये बात लिखनी है कि जो कंजक्शन होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, चेंज इन क्लोज मेरा इंडिकेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है भाई ये, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत सारे जो आपको आज तक डाउट्स रहे होंगे वो सारे आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे देखिए, अब जैसे मैं एक नोट बना रहा हूं, छोटा सा दो तीन पॉइंट हम नोट में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है भाई, जो कंजक्शंस, या सीधा ऐसा लिख लो, जो एंड हो गया, एंड बट और इंडिकेट्स चेंज इन क्लोज, इंडिकेट्स चेंज इन क्लोज। ये मेरे क्या इंडिकेट करते हैं, यहां से मेरा क्लोज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेंटेंस लिख लेता हूं, He is a poor but he is not dishonest. He is poor but he is not dishonest. ये मैंने लिखा हुआ है, और जरा बात समझिए, कॉम्बिनेशन मैंने बना होगी, ही इज अ पुअर बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड बट और मेरा क्या इंडिकेट करते हैं, चेंज इन क्लोज इंडिकेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से एक बात समझनी है आप लोगों को कि जो एंड हम कभी यूज करते हैं और बट हम जब कई बार यूज करते हैं इंग्लिश में, तो जो एंड होता है हमेशा सिमिलर चीजों को जोड़ता है, और ये अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट नेचर की चीजों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब एंड या तो दो नेगेटिव चीजों को जोड़ेगा या दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ेगा, बट क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट चीजों को जोड़ेगा। ठीक है, अब ही इज पुअर, देखो दो तरह के आदमी होते हैं, एक पुअर और एक रिच।
पुअर मैं नेगेटिव मान रहा हूँ और रिच मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है, ही इज पुअर, तो ये मेरा क्या है नेगेटिव, ठीक है। बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट क्या होता है, बेईमानी, बेईमानी क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। लेकिन इसके साथ एक और नेगेटिव लगा, और आपको पता है मैथ्स, मैथ्स में नेगेटिव नेगेटिव गुना क्या हो जाती है भाई, पॉजिटिव हो जाती है। तो यानी वो बेईमान नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, वो ईमानदार है, और ईमानदार है तो क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव बन जाएगा। तो बट मेरा क्या जोड़ता है कि एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बात लिखी हुई है कि ही इज पुअर, वह गरीब है परंतु वह बेईमान नहीं है, ये एक ही आदमी की दो क्वालिटीज की बात हो रही है। मान लो ही मेरे पास कोई आदमी है, वो गरीब है परंतु वो बेईमान नहीं है, तो एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहा हूं। जब एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहा हूं तो उसको बार बार दो दो सब्जेक्ट लिख के लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही आदमी की दो क्वालिटी है, तो यहीं से मेरा पूरा इंडिकेट हो जाएगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। राम गरीब है परंतु राम बेईमान नहीं है, तो सीधा बोल दूंगा राम गरीब है परंतु बेईमान नहीं है, ठीक है बात। तो उसको दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। या कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि एंड बट और के बाद आने वाली कॉमन चीजों को हम हटा देते हैं, ये एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है कि एंड बट और के साथ आने वाली कॉमन चीजों को हम हटा देंगे। कंसेप्ट मेरा ये है कि ये जो बातें हो रही है, ये गरीबी की बात हो रही है, ये नॉट डिसऑनेस्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ एक ही आदमी की बात हो रही है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको एक साथ उसकी दोनों क्वालिटीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहां से मेरा बताने का एक रीजन ये था कि जो एंड है वो मेरा सिमिलर चीजों को जोड़ता है और जो बट है मेरा पॉजिटिव चीजों को जोड़ता है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही इज फूल और ही इज नेव। नेव एक वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मतलब होता है बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं ना वो। अब एक बात समझिए भाई, फूल ही इज फूल और ही इज नेव, वही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि इसकी बात हो रही है कि ये बंदा या तो मूर्ख है या क्या है भाई, बदमाश है, मूर्ख है या बदमाश है भाई। तो इसी एक बंदे की दो क्वालिटीज की बात हो रही है, ये भी इसी बंदे की क्वालिटी है और ये भी इसी बंदे की क्वालिटी है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो यहीं से मेरा बन जाएगा ही इज फूल और नेव, बहुत सिंपल चीज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात, ठीक है। क्लोज हम पढ़ रहे हैं, क्लोज में कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही बंदे की दो क्वालिटीज दो क्लोज में दे देते हैं, तो उसको आपको हटा देना है, ये मैं सिखाना चाह रहा था कि देखो दो क्लोज बना के एक ही बंदे की क्वालिटी दे रहा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो हमें पता लगा कि यदि एक ही बंदे की क्वालिटीज है तो एक ही जगह से काम चला लो, उसको बार बार रिपीट ना करो। रिपीटेशन इंग्लिश में अच्छी बात नहीं होती है, अगर आप रिपीट करोगे तो चीजें ना अनअट्रैक्टिव लगने लग जाएंगी, और इंग्लिश की एक ही खास बात होती है भाई, इंग्लिश अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्टिंग वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दो सेंटेंस लिखिए भाई, दे नो द मैन, दे नो द मैन, ये दूसरा मेरा तरीका है क्लोज बनाने का, सीधा सेंटेंस से मैं ले रहा हूं, दे नो द मैन हु यू वर चेजिंग यस्टरडे, हु यू वर चेजिंग यस्टरडे। एक और लिखिए, दे नो द मैन, दे नो द मैन हुम वर चेजिंग, हुम वर चेजिंग यस्टरडे, ठीक है जी। अब बात समझिए, यहां पे मैंने जो क्लोज कनेक्ट किए हैं ये मैंने
इन वर्ड्स के साथ किए हैं। ये जो वर्ड मैंने यूज कर रखे हैं, ठीक है, जो वर्ड जैसे हु हुआ, होम हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं भाई। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वहां से एक नए क्लोज की शुरुआत होती है। हु होम या क्वेश्चन वर्ड बिगिंस अ न्यू क्लोज। क्या करते हैं भाई, एक नए क्लोज क्या करते हैं, बिगिंस अ न्यू क्लोज, एक नए क्लोज की शुरुआत वो करते हैं। ये बात आपको समझनी है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो एक नए क्लोज की शुरुआत करते हैं। मतलब क्या है कि यहां से ही मेरा दूसरा क्लोज शुरू हो गया है। भाई दो चीज बोली है, जो एंड है, बट है और है, वो इंडिकेट करते हैं चेंज इन क्लोज। मतलब एंड, बट और के बाद क्लोज मेरा चेंज हो गया। यहां पे मैंने क्या बात बोली है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो नया क्लोज शुरू करते हैं। मतलब क्वेश्चन वर्ड से ही नया क्लोज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब अगला क्लोज मेरा कहां शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। मुझे इस तरीके से चलना है। अब मैं अपने तरीके से चल रहा हूं भाई। मुझे ना क्या करना है, क्लोज के लिए मैं क्या ढूंढता हूं भाई, मैं एक सब्जेक्ट ढूंढता हूं और एक क्या ढूंढता हूं, एक प्रेडिकेट ढूंढता हूं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके मेरा क्या बना देते हैं, क्लोज बना देते हैं। अब यहां पे आपको एक बात जरा समझनी है कि ये जो मैंने दे लिख रखा है भाई, ये सब्जेक्ट है मेरा। मैं आगे बढ़ा, ये मुझे वर्ब दिखा और नो द मैन, मुझे यहां पे रुकना पड़ा। मैं यहां पे क्यों रुका हूं, क्यों, मुझे क्वेश्चन वर्ड दिखाई दिया है और क्वेश्चन वर्ड मुझे दिखाई दिया है तो उससे मेरा क्या इंडिकेट हो गया है भाई, वो यहां से एक नया क्लोज मेरा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहां पे मुझे यहां पे रुकना पड़ा। तो ये मेरा वर्ब है और ये मेरा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, मेरा पूरा क्या शो करते हैं भाई, ये प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके एक क्लोज मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मेरा एक क्लोज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ये बात। अब यहां से मेरा एक क्लोज कंप्लीट हो गया तो आगे मुझे पता चला कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, और क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो वो मेरा क्या इंडिकेट करेगा, एक नया क्लोज इंडिकेट करेगा। तो यहां से एक नया क्लोज शुरू हो गया भाई। तो यहां से एक नया क्लोज शुरू हो गया तो मुझे क्या दिखा कि जो यू जो है ये मेरा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। जो वर चेजिंग वर मेरा क्या है भाई, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा पूरा क्या बन गया भाई, एक प्रेडिकेट बन गया। एक बात समझिए जरा थोड़ी सी। अब जो मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज कर रखे हैं इनकी भी वैरायटी होती है। क्या वैरायटी होती है वो जरा ध्यान से देखिए। जो हु होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और जो हुम होता है वो क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। जनरली बात कर रहा हूं भाई, हमेशा मैंने गलती से बोल दिया। जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हुम जो होता है वो हमेशा, यहां पे बोल सकता हूं हमेशा, हुम सिर्फ किसका फंक्शन कर सकता है भाई, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। तो यहां से मुझे बात पता चली कि सब्जेक्ट तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, अब हु जो है वो भी क्या होता है भाई, सब्जेक्ट का ही फंक्शन कर रहा है। तो जरा बात ध्यान से समझिए, यू मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब, इसको आप ऐसे लिख लो कि ये मेरा वर्ब पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है भाई। अब सब्जेक्ट है मेरे पास, क्या है, वर्ब है। तो ये तो अपना क्लोज कंप्लीट करके बैठा हुआ है, इसको अपना क्लोज कंप्लीट करने के लिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो क्या चाहिए भी, ऑब्जेक्ट चाहिए। या आप ऐसे कह लो भाई, दो दो सब्जेक्ट थोड़ी यूज करूंगा मैं, यू मेरा सब्जेक्ट है तो मेरे यहां पे हु की जगह पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा भाई, होम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नीड किसकी है भाई, मुझे ऑब्जेक्ट की नीड है। बात आई समझ में, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके पास है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, होम क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आपका एक पूरा क्लोज क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये मेरा क्या है, क्लोज टू है। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है, ये तो अपना क्लोज कंप्लीट करके बैठा है। यहां से मैं बढ़ा तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए। कि ये सबसे बड़ी बात है जहां पे लोगों को दिक्कत होती है भाई, मैं हु यूज करूं या मैं होम यूज करूं, काफी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आपको जरा ध्यान से देखना है, आपको यहां देखना है भाई, यहां पे सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट होम होता है भाई, हु नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहां से देखने से ही पता लग जाएगा भाई, ये सब्जेक्ट तो यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्लियर है बात। दूसरा सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा आपको यहां से भी क्लियर होगा, आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी महसूस होगा, बार बार आप लोगों को कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए, मैं कमेंट पढ़ता हूं भाई, और जो भी मुझे लगेगा कि मुझे चेंज करना चाहिए मैं बकायदा उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। चलिए आगे बढ़िए भाई, ये दे भी क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है,
अब दे नो दी मैन, यहां तक बड़ा भाई मुझे रुकना पड़ा, ये मेरा प्रेडिकेट अभी तक तो समझ भी गए होंगे। तो ये पूरा मेरा क्या बन गया, अभी एक क्लोज बन गया, अब एक क्लोज तो मेरा ये बन गया, क्वेश्चन वर्ड मेरा आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड मेरा आ गया तो मुझे रुकना पड़ेगा, और हु मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वर चेंजिंग यस्टरडे ये मेरा क्या है भाई, वर्ब का पार्ट पड़ा हुआ है। तो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है भाई, देखो मेरे पास वर्ब है, और मुझे क्लोज कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है भाई, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या बनाते हैं भाई, क्लोज बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वर्ब है, तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हु लगाना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर से और साफ सुथरी बात है, आप जरा समझिए, हु जो होता है वो मेरा सब्जेक्ट का काम करता है, होम जो होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। आपको समझ में आई ये बात, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो चार सेंटेंसेस और यहाँ से सीखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। अब इसको बहुत अच्छे से एक बार लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, द मैन हु ही सेज, द मैन हुम ही सेज इज, द मैन हुम ही सेज ही इज माय फ्रेंड। जरा ध्यान दे, एक सेंटेंस आपको समझना है, ये इस ये वैरायटी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला है भाई क्वेश्चन वर्ड जो होता है वहां से नए क्लोज की शुरुआत होती है, क्लोज का फंक्शन भी आपको कहाँ से समझ में आएगा, क्वेश्चन वर्ड देख के ही समझ में आएगा। तो आप यहाँ से बढ़े, आपने देखा भाई द मैन लिखा हुआ है, ये मेरा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो मुझे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ से नए क्लोज की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है भाई, सब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो क्लोज क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या बनाता है, एक क्लोज बनाता है। आगे मेरी बात समझिए, आगे मैं बढ़ा तो मुझे ही दिखा, फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट और इज माई फ्रेंड, ये पटा मेरा क्या भाई, पूरा प्रेडिकेट। तो एक क्लोज मेरा क्या हो गया भाई, ये कंप्लीट हो गया। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, सब एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया। तो ये फ्री फंड का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, बात आई समझ में भाई, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहाँ पे कंप्लीट है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये फ्री फंड का सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कुछ तो मेरा क्या है, क्वेश्चन में क्या है भाई, लोचा है, कुछ तो मेरी खराबी यहाँ पे है। तो जरा ध्यान से देखना है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट फालतू रह जाए या प्रेडिकेट फालतू रह जाए, कंबिनेशन बनेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे, कोई भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब ये मेरा क्लोज है, तो मुझे यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है, एक प्रेडिकेट है, और ये मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट यहाँ भी है और एक सब्जेक्ट यहाँ भी है। यहाँ से तो मेरे सेंटेंस की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, और बात किसकी हो रही है, द मैन हुम ही सेज इज माई फ्रेंड, इस आदमी की बात हो रही है। तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये एरर इसमें था। ठीक है, तो बात आपको जरा समझ है, द मैन हुम ही सेज इज माई फ्रेंड। तो आप इसको यहां से समझ सकते हैं, ये तो अपना क्लोज कंप्लीट करके बैठ गया, ये प्रेडिकेट है, इसके लिए दो सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट शुरू में है और एक सब्जेक्ट इसके साथ है, और ये जो सब्जेक्ट है इसी के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है, ही का यूज किया हुआ है। तो प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास नाउन क्या है, पहले से अवेलेबल है, तो नाउन की जगह पे तो प्रोनाउन यूज करेंगे। अब नाउन ही अकेला अवेलेबल है तो प्रोनाउन की क्या नीड है भाई, इसको लगाने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। इस तरीके के भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं दो तीन सेंटेंस और दिखाऊंगा आपको, जहां पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड डबल फंक्शन कर देता है,
और डबल फंक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए This is the man who he says runs very fast. Whom? This is the man whom he says runs very fast. Next, देखिए. She is the teacher. She is the. थोड़ा स्पेस में लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. She is the teacher. Whom my parents say. Taught me in childhood. देखिए भाई जरा, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही सेंटेंस, तो जरा ध्यान से देखिए. This is the man whom he says runs very fast, या she is the teacher whom my parents say taught me in childhood. तो आपको जरा देखना कि होम का मैंने यूज किया है तो क्लोजेज का फंक्शन मेरा आ गया है. आपको क्या ढूंढना है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, आपको प्रेडिकेट ढूंढना है और अपना काम करना है. तो मैं यहाँ से शुरू हो जाता हूँ भाई. तो मैं यहाँ से बढ़ा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा मुझे सबसे पहले क्या दिखा भाई, सब्जेक्ट दिखा. तो मैं आगे बढ़ा, मुझे वर्ब दिखा, ऑब्जेक्ट दिखा. मुझे यहाँ पे इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि मुझे क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, और मुझे जब क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो मुझे वहां से क्या